नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इनोशन में। और आज से शुरू कर रहा हूँ मैं क्लास 11th के हिस्ट्री का चैप्टर सारे। और हिस्ट्री का मैं पूरा कंप्लीट करवाने वाला हूँ आप सभी को, जल्दी से जल्दी कुछ ही दिनों में कंप्लीट करवा दूंगा। क्वेश्चन आंसर भी करवाऊंगा, ऑब्जेक्टिव टाइप भी करवाऊंगा, तो हमारे साथ बने रहिए। और ऑब्जेक्टिव टाइप बेसिकली इसलिए करवाना होता है दोस्तों, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप से आपको बहुत ज्यादा मार्क्स आसानी से ले सकते हैं। कुछ ही टाइम में आप ऑब्जेक्टिव टाइप की वजह से मार्क्स बहुत ज्यादा गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी के लिए मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ क्लास 11 हिस्ट्री चैप्टर 1 फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम्स। नोट्स ये हिंदी में पूरा, ठीक है। तो फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम मतलब समय की शुरुआत से, ये चैप्टर का नाम है आप सभी के। आज जो चैप्टर करवाने वाला हूँ ये पहला चैप्टर है हिस्ट्री का क्लास 11 का, समय की शुरुआत से। समय की शुरुआत से का सिर्फ से पहला बिंदु, मुख्य बिंदु जो है हमारा वो है 56 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर ऐसे प्राणियों का प्रादुर्भाव हुआ जिन्हें हम मानव कह सकते हैं, परंतु आधुनिक मानव जो अभी के मानव देख सकते हैं आप, हम सभी जो हैं वो जो हैं 1,60,000 साल, 1,60,000 साल पहले पैदा हुए थे। ये हमें पता कैसे चलता है, हम पता कैसे लगाते हैं कि ये कितने साल पुराना है, कैसे है, क्या है? तो उसके लिए एक होता है जीवाश्म, जिसे हम इंग्लिश में फॉसिल्स बोलते हैं। फॉसिल्स के जरिए, फॉसिल्स का टाइम पीरियड निकालने के लिए कार्बन का वो होता है एक उस मेथड से, साइंस वालों को पता होता है, तो 11th 10th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, एक कार्बन डेटिंग होता है, उस मेथड से हम जीवाश्म के टाइम पीरियड का पता लगाते हैं। ठीक है, तो फॉसिल्स जो होता है वो बेसिकली पुराने पौधे, जानवर या मानव किसी प्रकार के हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, पौधे, मानव, जानवर, किसी भी प्रकार के, उनके जो अवशेष होते हैं या छापों के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जो एक पत्थर के रूप में बदल कर अक्सर किसी चट्टान में समा जाते हैं और फिर लाखों साल तक उसी रूप में पड़े रहते हैं। जैसे आप देखते हैं कई बार कई जगह घर बनाए जाते हैं तो कुछ चीजें निकलती हैं अंदर से, ठीक है, तो वो जो होता है वो जीवाश्म कहलाता है। तो बहुत टाइम तक पड़ा रहता है ऐसे का ऐसा, और धीरे धीरे वो पड़ा ही रहता है, और कभी उसको निकाला जाता है तो हमें पता चलता है कि ये जीवाश्म है, और फिर उसको कार्बन डेटिंग करके हम उसका टाइम पीरियड निकालते हैं दोस्तों। तो जीवाश्म इसी प्रकार से हमें पता चलता है। जीवाश्म किस प्रकार का होता है आपको मैं, देखिए हमारा जो तरीका होगा आपको पढ़ाने का, ये नहीं होगा कि स्कूल के तरीके से पढ़ाया जाए, स्कूल और इसमें फर्क होना चाहिए। क्या फर्क होना चाहिए? आपको यहाँ पर विजुअलाइजेशन करवाया जाएगा, आप विजुअलाइज कर पाएंगे जैसे जीवाश्म है तो जीवाश्म कैसा होता है, कैसा दिखता है। ये नहीं कि हमने आए स्कूल में, क्या होता है स्कूल के सिस्टम तो बड़ा बेकार होता है वैसे, बहुत सारे स्कूल्स का मैंने जो देखा है, हमने भी पढ़ाई करी है, हमने भी देखा है कि जैसे हम स्कूल में गए, हमारा हिस्ट्री का टीचर आया, बोला चलो एक बच्चा खड़ा होकर रीडिंग कर दो, रीडिंग कर दिया और फिर बोल दिया कि इसके क्वेश्चन आंसर घर से लिख के लाना, और फिर अगले दिन याद करने के लिए बोल दिया कि कल इसको याद कर लेना, बस इसी तरीके से चलता है। लेकिन हम यहाँ पर आपको बहुत ही एलोबरेट करके, बहुत ही एनालाइज करके, बहुत ही विजुअलाइज करवा के आपको अच्छे से समझाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएंगे दोस्तों। कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी होता है। आप सभी सोचते होंगे कि हिस्ट्री, हाँ हम सभी सोचते हैं बेसिकली कि हिस्ट्री बहुत ही खराब चैप्टर है, लेकिन आज से इसको देखने के बाद आपका नजरिया बदल जाएगा बेसिकली, कि हिस्ट्री भी एक ऐसा चैप्टर है जिसे अगर अच्छे से पढ़ा जाए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको अच्छे से अच्छा समझा के, मतलब पूरी तरीके से आपको एकदम इजी वे में समझाया जाए, जिससे आपको भी अच्छा लगे और हम पूरा चैप्टर जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। तो जीवाश्म देखिए दोस्तों, ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये तस्वीर देख पा रहे हैं, ये बेसिकली जीवाश्म ही है। ये किसी के मृत शरीर, फॉसिल फ्यूल्स जैसे देख सकते हैं ये, जैसे ये देखा जा रहा है आपको, ये देखिए ये पत्थर पे उखरा हुआ है, पत्थर पे बना हुआ है। इसी तरीके से मानव खोपड़ी की होती है, ये देख पा रहे होंगे इधर साइड में, ये देखिए देख पा रहे हैं आप, ये फॉसिल्स हैं। ये क्या है ये दोस्तों? ये फॉसिल्स हैं जो सालों साल तक कहीं पर भी पड़े होते हैं, ये देख पा रहे हैं आप, ये फॉसिल्स हैं दोस्तों, इनको ही फॉसिल्स कहा जाता है, जीवाश्म कहा जाता है। ये जो जीवाश्म होते हैं इनसे ही इनकी हमें एज निकाली जाती है, इनके कार्बन डेटिंग करके पता चलाते हैं, पता लगता है हमें कि ये कितने साल पुराने हैं, कितने साल पहले के हैं ये दोस्तों, देख पा रहे हैं, ये सारे ही फॉसिल्स हैं। ये देखिए
ये देखिए ये सभी फॉसिल्स हैं, इनसे हमें पता लगता है कि ये कितने पुराने हो सकते हैं, कितने अंदाजा लगाते हैं हम कार्बन डेटिंग के जरिए। अब हम बात करेंगे दोस्तों प्रजाति। प्रजाति क्या होती है? प्रजाति या स्पीसीज जीवों का एक ऐसा समूह होता है जिसके नर मादा मिलाकर बच्चे पैदा कर सकते हैं और उनके बच्चे भी आगे प्रजनन करने यानी संतान उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं। बेसिकली स्पीसीज जो है एक, जैसे हम देख सकते हैं मानव एक स्पीसीज है, ओके मानव जानवर के अलग अलग स्पीसीज हैं, गाय भैंस बकरी ये सारे एक स्पीसीज के पार्ट होते हैं, ये प्रजाति होती है, इनको प्रजाति बोला जाता है दोस्तों, अलग अलग प्रजातियां होती हैं ये सारी। ये देख पा रहे हैं ये अलग अलग है ना, आपको ये सारे प्रजातियां हैं, अलग अलग प्रजाति इनको बोली जाती है, बोला जाता है, देख सकते हैं आप ये अलग अलग प्रजातियां स्पीसीज है दोस्तों। ठीक है, तो प्रजाति की बेसिकली डेफिनेशन आपको बता दिया है मैंने कि प्रजाति जो होती है वो एक प्रकार का समूह होता है, हम भी एक प्रजाति के पार्ट हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन आपको डेफिनेशन, हाँ सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज दैट कि आप सभी इसके नोट्स जरूर बनाइए दोस्तों। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि आपको ये एक तरह के स्कूल के ही मतलब वो करवाया जा रहा है, आप इसको ऐसा ना समझिए कि ये कहीं और से चीजें लाई गई हैं और आप इसको एज इट इज ऐसे ही छोड़ते जाएं, बस देख लें वीडियो, बिल्कुल नहीं, आप इसके नोट्स जरूर बनाइए। चलिए निकाल लीजिए अगर आपने नहीं निकाला है, और अगर आप बना रहे हैं आप में से किसी ने ऐसी शुरुआत कर दी है तो बहुत अच्छी बात है, और जिसने भी शुरुआत नहीं करी है तो प्लीज अपने नोटबुक एक निकाल लीजिए, और अगर नहीं ले निकाल पा अभी सकते हैं तो बाद में निकालिएगा, और वीडियो आप चाहे तो देख सकते हैं अभी या बाद में चाहे तो देख सकते हैं। और अगर आप सभी नए हैं हमारे चैनल पे और तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे मैं इस सीरीज के या फिर किसी और प्रकार के भी आपके बेनिफिशियल पर्पस से जो भी वीडियो डाली जाती है जिससे आपको बेनिफिट हो वो भी आप वीडियो यहाँ पर देख सकते हैं, तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिलेगा बेल आइकन दबाने से, तो बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। और जो भी पुराने हैं उन सभी को पता है कि मैं आपको बोलता हूँ कि नोट्स बनाना जरूरी है, तो नोट्स जरूर बनाइए दोस्तों, नोट्स बनाने से आपको बहुत ही फायदा मिलता है, रिवीजन करने में भी बहुत बेनिफिट मिलता है। तो हमने प्रजाति की बात कर ली है, अब आगे बात करते हैं दोस्तों, अगली बात करते हैं हम ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। स्पीसीज का ओरिजिन, ओरिजिन कब हुआ था? ठीक है, ये देखिए चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखित पुस्तक है एक, ये ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये 24 नवंबर सन 1859 को इन्होंने प्रकाशित की थी, जिसमें यह दलील दी गई कि मानव का विकास जानवरों से हुआ है। मतलब ये बताया गया कि हम सभी पहले एक जानवर प्रजाति के हुआ करते थे, फिर हम धीरे धीरे विकसित हुए होते गए तो उसके जानवरों से ही क्रमिक रूप से विकसित होकर अपने वर्तमान रूप में आए हैं। हम सभी जो हैं बेसिकली जानवरों से विकसित होते गए, ऐसा इन्होंने चार्ल्स डार्विन ने लिखा है अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में, 24 नवंबर 1859 को इन्होंने प्रकाशित किया था। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए दोस्तों, जल्दी जल्दी लिखिए। अगली बात करेंगे हम प्राइमेट। प्राइमेट जो होता है वो एक स्तनपाई प्राणियों के एक अधिक बड़ा समूह है, जिसमें कौन कौन है? बानर है, लंगूर है, मानव है, इन सभी को क्या कहा जाता है? प्राइमेट कहा जाता है, जो स्तनपाई प्राणियों के एक बड़े समूह है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल आपका बानर लंगूर और मानव शामिल है इसमें, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये प्राइमेट स्पीसीज है दोस्तों, ये लंगूर है, ये सभी देखिए आप देख पा रहे होंगे ये जो है प्राइमेट स्पीसीज है, हमारा जो ये विकास का वो दिखाया जा रहा है कि इस तरीके से विकसित हुए हैं। ठीक है दोस्तों, ये सारे प्राइमेट स्पीसीज के पार्ट है, तो आप सभी जल्दी से इसका डेफिनेशन लिख लीजिए। प्राइमेट स्पीसीज क्या होते हैं? एक स्तनपाई प्राणियों का एक बहुत ही बड़ा समूह होता है, इनमें बानर लंगूर और मानव शामिल है, जल्दी से लिखिए। अगला है दोस्तों, अगला लिखिए आप सभी जल्दी से, होमो। होमो क्या होता है? होमो एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है आदमी, इसमें स्त्री पुरुष दोनों शामिल है। होमो मतलब जैसे हम बोलते हैं ना आदमी इंसान, तो वहां पे लैटिन भाषा में बोला जाता है, लैटिन भाषा में होमो, होमो जिसमें आदमी और स्त्री और पुरुष बेसिकली दोनों शामिल होते हैं। ठीक है दोस्तों, लिखिए जल्दी से होमो।
अब अगला अगला इससे इसके बाद लिखिएगा होमो। वैज्ञानिकों ने इसे कई प्रजातियों में बांटा है, वैज्ञानिकों ने इसे कई प्रजातियों में बांटा है, जैसे होमो हैबिलिस। इसको जो वो लोग होते हैं जो औजार निर्मित करते हैं उनको क्या बोला जाता है, होमो हैबिलिस। अगला होता है होमो एरेक्टस। लिखिए जल्दी से होमो हैबिलिस, उसके बाद लिखिएगा होमो एरेक्टस। सीधे खड़े होकर पैरों के बल चलने वाले, सीधे खड़े होकर पैरों के बल चलने वाले मतलब हमारी तरह, उनको क्या बोला जाता है, होमो एरेक्टस। उसके बाद है होमो सैपियंस, चिंतनशील मनुष्य। चिंतनशील मनुष्य बेसिकली कौन होते हैं, हम होते हैं। हम बेसिकली, हमें क्या कहा जाता है, चिंतनशील मनुष्य कहा जाता है होमो सैपियंस। होमो हैबिलिस औजार निर्माता जो है, पहले ज्यादा बोलते नहीं थे, सोचते नहीं थे, बस औजार निर्मित करते थे। बेसिकली जो प्री मेडिक जो है टाइम, मतलब आदि मानव काल जो होता है वो, उसको होमो हैबिलिस कहा जाता है। फिर धीरे धीरे विकसित होते हैं और सीधे पैरों पर खड़े होकर चलने वाले जो होते हैं उनको होमो एरेक्टस कहा जाता है। और उसके बाद होमो सैपियंस आते हैं जिसमें हम सभी चिंतनशील मनुष्यों को काउंट किया जाता है दोस्तों। अगला है ऑस्ट्रोलोपिथिक्स, ऑस्ट्रोलोपिथिक्स। ठीक है, लिखिए जल्दी से अपने, पहले ये होमो वैज्ञानिकों ने इनकी तीन प्रजातियों में जो बांटा है क ख ग, इन सभी को जल्दी से लिख लीजिए आप सभी। और उसके बाद हम बात करेंगे होमो, सॉरी ऑस्ट्रोलोपिथिक्स। हाँ जी, अगला टॉपिक डालिए दोस्तों ऑस्ट्रोलोपिथिक्स। ये भी लैटिन भाषा है, ऑस्ट्रल दो शब्दों से मिलकर बना है, ऑस्ट्रल जिसका अर्थ होता है दक्षिण, और यूनानी दक्षिणी, सॉरी ऑस्ट्रल का अर्थ होता है दक्षिणी, और यूनानी भाषा के पिथिक्स का अर्थ जो होता है वो वानर होता है। क्या होता है दोस्तों, वानर से मिलकर बना है। यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि मानव के आद्य रूप में उसकी एप वानर अवस्था से वानर अवस्था के अनेक लक्षण बरकरार रहे। जो एक एप वानर जो है, एप एक वानर का प्रकार है दोस्तों। एप दिखा देता हूं मैं आपको कैसे दिखते हैं, ये देख पा रहे होंगे आप दोस्तों, यही है ऑस्ट्रोलोपिथिक्स। ये बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे, मानव से मिलते जुलते लगते हैं आप, लग रहे हैं ना, ये मानव से मिलते जुलते ही प्रजाति, ऐसा महसूस होता है कि ये मानव प्रजाति के ही पार्ट है। ठीक है, इनको ही ऑस्ट्रोलोपिथिक्स कहा जाता है दोस्तों। तो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए जल्दी से, वानर अवस्था के अनेक लक्षण बरकरार हैं इस स्पीसीज के अंदर। ठीक है, कौन, ऑस्ट्रोलोपिथिक्स। तो ये बेसिकली हमारा जो विकास है, इस चैप्टर में हम इन सभी चीजों के बारे में ही बात करने वाले हैं कि हमारा विकास कैसे हुआ, हम कहाँ से आए, कैसे हुआ, ये सारी चीजें। हाँ जी, देख पा रहे होंगे आप, जैसे ऑस्ट्रोलोपिथिक्स की विशेषताएं क्या क्या है। अब होमो बताया था मैंने, स्त्री पुरुष दोनों शामिल होते हैं होमो में। इसमें क्या होता है, लेकिन ऑस्ट्रोलोपिथिक्स में मस्तिष्क की, होमो की मस्तिष्क जो होती है उसकी अपेक्षा बड़ा होता है इसका। इसके जबड़े भारी होते हैं, देखा था आपने तस्वीर में, देख लिए, जबड़े भारी होते हैं इनके, बड़े से होते हैं। ठीक है दोस्तों, देख पा रहे हैं आप, ये भारी होते हैं, बड़े, देख पा रहे हैं दोस्तों, इनके जबड़े भारी होते थे, इनके दांतों दांत भी बड़े होते थे, हाथों की दक्षता सीमित होती थी, और ये सीधे खड़े होकर चलने की क्षमता अधिक नहीं थी इनके पास। जैसा कि इस तस्वीर में देख रहे हैं, ये पूरी तरह से सीधे नहीं हो पाते थे जैसे आज के टाइम में हम सीधे हो पाते हैं। ये थोड़े से सिकुड़े होते थे, झुके हुए होते थे। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे ऑस्ट्रोलोपिथिक्स, इनकी विशेषताएं थी। ये सारे पॉइंट्स आप जल्दी जल्दी लिख लीजिए, फिर अगले पॉइंट पे बात करेंगे हम दोस्तों। जल्दी से लिखिए ऑस्ट्रोलोपिथिक्स की विशेषताएं। सीधे होने की क्षमता इनकी अधिक नहीं थी, ये सभी हमने लिख लिया है। ये अपना समय, अधिक समय पेड़ों पर गुजारते थे। ठीक है, क्योंकि उस टाइम जो था, ये आज के टाइम में जैसे हम अच्छे से विकसित होकर रह रहे हैं, मतलब घरों में रह रहे हैं, घर बनाकर रह रहे हैं, ऐसा पहले नहीं था, तो वो अधिकतर ज्यादातर पेड़ों पर ही रहा करते थे। अगला क्वेश्चन, अगला हमारा जो टॉपिक है दोस्तों, आदिकालीन मानव विभिन्न तरीकों से भोजन ग्रहण करते थे, जैसे संग्रहण करके, शिकार करके, मछली पकड़ करके और अपमार्जन करके। अब अगला है, ये देखिए, ये तो लिख लीजिए आप जल्दी से। तो उसके बाद हम बात करेंगे पुरातत्वविद, ये क्या होते हैं, कौन होते हैं,
और ये क्या काम करते हैं? बेसिकली पुरातत्वविद जो होते हैं वैज्ञानिक होते हैं जो मानव इतिहास का अध्ययन खुदाई से मिले अवशेषों के अध्ययन के द्वारा करते हैं। अब ये हम जो अभी सबसे पहले जो हमने अवशेष फॉसिल्स की बात करी थी, फॉसिल्स क्या होते हैं? वही होते हैं जो खुदाई में मिलते हैं या फिर कहीं पहाड़ों पे, पर्वतों पे, पत्थरों में मिलते हैं, उनको ही हम फॉसिल्स बोलते हैं। उन फॉसिल्स का अध्ययन जो करते हैं उनको पुरातत्वविद कहते हैं। फिर उसको अध्ययन करके ये इतिहास बनाते हैं, इतिहास लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कौन है? इनको कहा जाता है पुरातत्वविद। अब अगली बात करते हैं हम आधुनिक मानव के उद्भव के दो सिद्धांत। अब देखिए आधुनिक मानव जो है उसके उद्भव के दो सिद्धांत बताया जाता है, दो सिद्धांत दिया जाता है। वो क्या क्या है? पहला क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल सिद्धांत, अनेक क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर मानव की उत्पत्ति हुई, ऐसा पहला मॉडल कहता है। दूसरा मॉडल कहता है प्रतिस्थापन। अब एक बात बताइए, देखिए क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल सिद्धांत जो है इसका मतलब यही है कि अलग अलग क्षेत्र जैसे भारत और अलग अलग कॉन्टिनेंट्स जैसे हैं अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं, मतलब इन अलग अलग जगहों पर मानव की अलग अलग उत्पत्ति हुई ऐसा कहा जाता है और वहीं पर उनका अलग अलग विकास हुआ। और दूसरा सिद्धांत जो कहता है वो कहता है प्रतिस्थापन का सिद्धांत। इसका मतलब है मानव का उद्भव जो है अफ्रीका में हुआ और वहां से भिन्न भिन्न इलाकों में फैले। ये सिद्धांत सबसे कारगर माना जाता है, ऐसा सभी के हिसाब से इसको सत्य सिद्ध किया जाता है, क्योंकि डीएनए जो होता है एक प्रोसेस होता है, तो जो अफ्रीका है उनका सबसे पुराना डीएनए माना जाता है, उसके डीएनए से जब मैच किया जाता है तो अलग अलग देशों के अलग अलग डीएनए को कंपेयर करके ऐसा माना गया कि मानव जो है उसका उद्भव जो हुआ अफ्रीका में हुआ और वहीं से वो धीरे धीरे अलग अलग इलाकों में फैले और उनका फैलाव हुआ और वहीं से फिर धीरे धीरे ये विकसित हुए। तो अगला बात करते हैं हम जीनस, जीन्स, बेसिकली जीन्स है ये। तो इसको लिखिए जल्दी से जीन्स, उससे पहले ये दोनों लिख लीजिए सिद्धांत को, और पुरातत्वविद भी बता चुका हूँ आपको मैं। पुरातत्वविद एक बार आपको तस्वीर दिखा देता हूँ दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे दोस्तों, ये देखिए ये इस प्रकार पुरातत्वविद का ही कार्य होता है। पुरातत्वविद क्या करते हैं? ये अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से खुदाई करते हैं और वहां पर इनके पुरातत्वविद ही होते हैं जो वो क्या करते हैं वहां से उनकी इतिहास उनका निकालते हैं दोस्तों, तो उनको ही पुरातत्वविद कहा जाता है। चलिए अब अगली बात करते हैं हम जीनस की। इसके हिंदी लिए मतलब इसके लिए हिंदी में वंश शब्द का प्रयोग किया जाता है। कहते हैं ना हम इस वंश के हैं, हम सौर्य वो मौर्य वंश के हैं, सूर्य वंश के हैं, इस टाइप से बोला जाता है। कुल वंश आपने देखा होगा मूवीज में या फिर कहीं भी आपने घर में भी सुना होगा वंश के बारे में, तो वो जीन्स जो होता है वो बेसिकली वंश को ही दर्शाता है, ठीक है। अब अगली बात करने वाले हैं हम होमिनाइड के बारे में। होमिनाइड के बारे में ये जो होते हैं बंदरों से कई तरह से भिन्न होते हैं, इनका शरीर बंदरों से बड़ा होता है और इनकी पूंछ नहीं होती है, बंदरों की पूंछ होती है जबकि इनकी होमिनाइड की मूछें नहीं होती हैं। लिख लीजिए जल्दी से, फिर इनकी तस्वीर भी दिखाएंगे और आप सभी को इसकी विशेषताएं भी बताएंगे। तो होमिनाइड जो होते हैं क्या होते हैं? बंदरों से कई तरह से भिन्न होते हैं और इनका शरीर बंदरों से बड़ा होता है। ये देखिए ये जो है बेसिकली होमिनिड है और इनकी पूंछे नहीं होती है, ध्यान से सुनिएगा बात दोस्तों, इनकी पूंछ नहीं होती है, ये होमिनिड है, ठीक है, इनकी पूंछे नहीं होती है और इनकी पूछे नहीं होती है और इनका शरीर बंदर से बड़ा होता है। इनका शरीर क्या होता है? इनका शरीर बंदर से बड़ा होता है, जैसा आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, इनके ये देखने से आपको लगता है दोस्तों ये होमोनिड होते हैं, होमिनिड, ठीक है, ये बंदरों से बड़े होते हैं, इनकी पूछे नहीं होती है। अब अगली बात करते हैं होमोनिड की विशेषताएं। लिखिए पहला विशेषता, पहली विशेषता, पहला जो भी है, होमिनाइड, होमिनाइड्स जो होते हैं वो बंदरों से कई तरह से भिन्न होते हैं। लिखिए होमिनाइड्स जो होते हैं वो बंदरों से कई तरह से भिन्न होते हैं। दूसरा पॉइंट लिखिए, उनका शरीर बंदरों से बड़ा होता है और उनकी पूंछ नहीं होती है। और
और उसके बाद लिखिए आखिरी पॉइंट इस विशेषता में, होमिनाइड की विशेषता में, इनका शरीर जो, इनका विकास जो है और निर्भरता की अवधि भी अधिक लंबी होती है, इनके विकास और निर्भरता की अवधि अधिक लंबी होती है। जल्दी से लिखिए। उसके बाद है अपमार्जन। अपमार्जन जो होता है इसका अर्थ है त्यागी हुई वस्तुओं की सफाई करना या भक्षण करना। भक्षण मतलब खाना बेसिकली, ठीक है? तो इसको ही क्या कहा जाता है, अपमार्जन। इसे लिख लीजिए। फिर हम बात करेंगे संचार, भाषा और कला। ये मतलब कैसे बात करते थे ये होमिनाइड, और कैसे मतलब एक दूसरे से कैसे समझाते थे चीजों को, और इनकी कला संस्कृति क्या थी, क्या चीजें करते थे, क्या बोलते थे, ये सब की चीजों की हम इसमें बात करने वाले हैं अगले टॉपिक में। तो जल्दी से लिखिए। अब मार्जन लिख लिया होगा आप सभी ने। अब बात करते हैं संचार, भाषा और कला। लिखिए, भाषा के विकास पर कई प्रकार के मत हैं। मतलब भाषा का जो विकास हुआ उसके लिए कहा गया है कि मतलब अलग अलग तरीके से इसका विकास किया गया, ठीक है? तो पहले जो होमिनिड होते थे, भाषा में अंग विच्छेद, हाव भाव या हाथों का संचालन, हिलाना शामिल था। मतलब हाथों को हिलाकर, हाव भाव से, इशारों से ये बातचीत किया करते थे। तो ये तो पहला मत है, मतलब यहां से स्टार्ट हुआ। फिर है उच्चरित भाषा से पहले गाने या गुनगुनाने जैसे मौखिक या अशब्दिक संचार का प्रयोग होता था। इस टाइप से, ठीक है? तो ये जो था इस टाइप से मतलब शब्दों का संचार होता था और यहाँ से विकसित होना शुरू हुआ। फिर है मनुष्य की वाणी का प्रारंभ संभवतः आवाहन या बुलावों की क्रिया से हुआ था। मतलब लोग जो दूर 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 होते थे, शिकार किया करते थे, तो उनको बुलाने के लिए हाव भाव का तो प्रयोग नहीं कर सकते। हाव भाव का प्रयोग सिर्फ जो सामने है, जो आपको देख सकता है, उसके लिए प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन जब दूर है तो उसको बुलाने के लिए उनके मन में, मतलब हमारा विकास कैसे होता है, जब हमारे मन में कुछ इच्छा जागृत होती है कि ये चीज कैसे किया जाए, तो उनके मन में ये बात आई कि उनको बुलाना है, तो कैसे बुलाते थे, तो उन्होंने कि इस तरीके से कुछ शाब्दिक संचार का प्रयोग किया और उनको बुलाने के लिए ये किया था। क्रिया से हुआ था, जैसे कि नर मानवों वानरों में देखा जाता है, प्रारंभिक अवस्था में मानव बोलने में बहुत कम ध्वनियों का प्रयोग करता होगा। धीरे धीरे ये ध्वनियां ही आगे चलकर भाषा के रूप में विकसित हो गई। जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये चीजें, मैं बोल पा रहा हूँ, तो ये जो है भाषा के रूप में विकसित कैसे हुई, तो एक एक अचानक से तो नहीं हुआ, एकाएक हो गया हो, ऐसा तो नहीं हुआ। तो ये धीरे धीरे विकसित हुआ, ये धीरे धीरे इसका विकास हुआ और हम तक पहुंचा। तो आप सभी इसको लिखिए जल्दी से। और उसके बाद हम लिखते हैं बोली जाने वाली भाषा की उत्पत्ति। तो उसकी उत्पत्ति 20 लाख पूर्व माना जाता है, 20 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है। होमो हैबिलिस के मस्तिष्क में कुछ ऐसी विशेषताएं थी जिनके कारण उनके लिए बोलना संभव हुआ। तो जैसे जानते हैं उनके मन में बात आई, तो ये जो विकास होता है वो धीरे धीरे मतलब बहुत टाइम में होता है। तो उनके मन में बात आई, धीरे धीरे विकसित होने लगे, तो इनके होमो हैबिलिस में के मस्तिष्क में एक ऐसी विशेषता उत्पन्न हो गई जिससे वो बोल सके, बोलने मतलब बोलने में सक्षम हो पाए। तो भाषा का विकास जो है माना जाता है कि 20 लाख वर्ष पूर्व हुआ। अब वो है स्वर तंत्र का विकास लगभग 2 लाख वर्ष। 20 लाख पूर्व तो सोचिए भाषा का मतलब बोलने का विकास हुआ, और स्वर तंत्र वो जो है सिर्फ 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ। इसका संबंध खास तौर से आधुनिक मानव से है, जैसे हम बोल पा रहे हैं ना, इसी तरीके से आधुनिक मानव से है इसका खास तौर से संबंध। हाँ जी, तो ये हमने पढ़ लिया, इसका संबंध खास तौर से क्या है, आधुनिक मानव से है। अब बात करते हैं हदजा जनसमूह। हदजा जनसमूह एक प्रकार का छोटा समूह हुआ करता था, किसका, शिकारियों और संग्राहकों का, ठीक है दोस्तों? शिकारियों और संग्राहकों का एक छोटा समूह था जो लेक याइसी, खारे पानी की बिभ्रांस घाटी में बनी झील के आसपास रहते थे। लेक याइसी जो है वहां पे ये रहा करते थे। आप सभी एक तस्वीर में ये एक पॉइंट देख रहे हैं, यही है लेक याइसी। लेक याइसी जो है यहीं से माना जाता है कि उस टाइप के लोगों का विकास हुआ, लेक याइसी। तो यहाँ के जो लोग थे वो
वो बेसिकली ज्यादातर जो थे वनस्पति पर निर्भर करते थे। पहले के लोग तो शिकारी हुआ करते थे, तो वो लोगों का सॉरी जानवरों का शिकार करके उनका वो किया करते थे, खा भक्षण कहते हैं जिसको, वो किया करते थे। लेकिन लेक याशी जो है यहाँ के 80%, यहाँ के लोगों द्वारा 80% भोजन का जो संसाधन था वो घास साग इस टाइप के वनस्पति का संसाधन, मतलब वनस्पति का वो प्रयोग करते थे अपने खाने के रूप में। ठीक है दोस्तों, लेक ईआईसी ये बेसिकली जो है वो तंजानिया में है। कहाँ है दोस्तों? तंजानिया, मंगोला देख पा रहे होंगे। मैं आपको इनको एक बार एक ध्यान से देखिए, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये हमारे देश से, भारत जो है आप जानते हैं, भारत से आपको इसको लिंक करके मैं दिखा देता हूँ। लेक तंजानिया ये देख पा रहे होंगे, तंजानिया, केन्या, युगांडा, ये बेसिकली सारे सारे कहाँ पे हैं? ये अफ्रीकन कंट्रीज हैं सारी की सारी, देख पा रहे होंगे आप। अंगोला, जाम्बिया, मोजाम्बिया, साउथ अफ्रीका आ जाएगा। ये देखिए, ये है इंडिया, श्रीलंका, बे ऑफ बंगाल, ये फिर हमारा है इंडियन ओशन, और यहाँ पे है ये लेक ईआईसी, देख पा रहे होंगे ये लेक ईआईसी। ठीक है दोस्तों, यही है लेक ईआईसी। यहाँ के लोग जो थे बेसिकली ज्यादातर मतलब 70-80% जो है वो किसका भक्षण करते हैं? वनस्पतियों का। इनको क्या कहा जाता है? हद्जा जनसमूह कहा जाता है दोस्तों। जल्दी से लिख लीजिए ये सारी चीजें, पॉज कीजिए और आप इसको लिख लीजिए। और यहाँ पर मैंने जैसा कि बताया 80% भाग वनस्पति होता है, वनस्पति इनका संभवतः भोजन का 80% जो होता है वो वनस्पति जन्य होता है। ठीक है, ये लिख लीजिए। फिर अल्टा मीरा की गुफा की विशेषता है, एक अल्टा मीरा गुफा है। ये सारे बेसिकली मैं आपको नोट्स बता रहा हूँ दोस्तों, नोट्स के बेसिस पे। और उसके बाद हम बात करेंगे होमोनिड, पहले तो हमने बात करी थी होमिनाइड की, और इसके बाद हम अल्टा मीरा की गुफा की विशेषता बताने के बाद होमिनिड की। होमिनाइड और होमिनिड डिफरेंट है, तो हम होमोनिड की बात करेंगे इसके बाद। तो अल्टा मीरा जो है स्पेन में स्थित एक गुफा स्थल है। कहाँ है दोस्तों? स्पेन में। यह गुफा इसके छत पर बने चित्रकारियों के लिए प्रसिद्ध है। तो इस गुफा के ऊपर छत पर क्या है? चित्रकारियां बनी हुई है। इसकी चित्रकारियों में रंग की बजाय किसी प्रकार की ले पेस्ट का इस्तेमाल किया गया है। यह चित्रकारियां बहुत ही पुरानी है। ये सारे पॉइंट्स लिख लीजिए जल्दी जल्दी, मैं बोल के क्या बताऊंगा। मैं आपको चित्रकारी दिखा देता हूँ दोस्तों, अल्टा मीरा की गुफा की चित्रकारी। ये देखिए दोस्तों, ये अल्टा मीरा की ही है, और ये आप देख पा रहे होंगे, ये किसी ग्लोई मतलब उसका क्या कहते हैं, क्ले ले पेस्ट का इस्तेमाल किया गया है इसको बनाने में। आप देख पा रहे हैं ये इस प्रकार की, इस गुफा में इस प्रकार की तस्वीरों का मतलब चित्रण किया गया है, बनाया गया है। ये अल्टा मीरा जो है ये स्पेन में है बेसिकली, आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये यहाँ पर इस प्रकार का चित्रण है एक गुफा के ऊपरी सतह उस पे भाग पे ले द्वारा किसी पेस्ट को चिपकाया गया है इसको बनाने के लिए। हम सभी देखिए, सभी में एक ये चित्रकला की वो भी नहीं होती है, हम सब तो पेंसिल आर्ट ये सब यूज करके भी इतनी अच्छी चित्रकला नहीं कर सकते। इन्होंने ले से वो भी गुफा की छतों पर मतलब ऊपर इसको बनाया है। ठीक है दोस्तों, चलिए ये लिख लीजिए जल्दी से अल्टामीरा। उसके बाद बताते हैं होमोनिड। होमोनिड जो है होमोनिड्स नामक परिवार के सदस्य होते हैं, होमोनिडे नामक परिवार के सदस्य होते हैं। इस परिवार में सभी रूपों के मानव प्रणाली शामिल है। होमोनिड समूह की अनेक विशेषताएं हैं, जैसे मस्तिष्क का बड़ा आकार, पैरों के बल सीधे खड़े होने की क्षमता, दो पैरों के बल चलना, हाथ की विशेष क्षमता जिससे वह औजार बना सकता था और उनका इस्तेमाल कर सकता था, तो वो क्या कहलाते थे? होमोनिड कहलाते थे दोस्तों। जैसा देख पा रहे हैं ये जो होमोनिड्स हैं ये बेसिकली ह्यूमन इवोल्यूशन के पार्ट हैं, मतलब इंसान के विकास के पार्ट हैं दोस्तों। ठीक है, ये है होमोनिड, देख पा रहे हैं। तो लिख लीजिए जल्दी से ये क्या क्या कर सकते हैं, फिर इनकी विशेषताएं हम अलग से भी लिख पाएंगे दोस्तों। इनका आप यहाँ पे होमोनिट के बारे में लिख लीजिए जल्दी से। लिखिए, इनके मस्तिष्क का आकार बहुत बड़ा होता है, इनके पास पैरों के बल खड़ा होने की क्षमता होती है, ये दो पैरों के बल चलते हैं,
इनके हाथों में विशेष क्षमता होती है जिससे वे हथियार बना सकते हैं और चला सकते थे। अब है शिकारी संग्राहक समाज। यह समाज शिकार करने के साथ साथ आर्थिक क्रियाकलापों में लगे रहते थे। अब देखिए, ह्यूमन का तो इवोल्यूशन हो रहा है, ह्यूमन का विकास हो रहा है, तो अब जो है लोग धीरे धीरे विकसित होकर मतलब रहने लगे एक कम्युनिटी समाज बनाकर। तो शिकारी संग्राहक समाज जो ये थे, छोटे छोटे चीजों का विनियम और व्यापार करना इत्यादि, तो ये अब एक दूसरे से मतलब व्यापार भी करने लगे। एक ने मतलब एक क्षेत्र में अपना अधिकार क्षेत्र बना लिया, दूसरे ने दूसरे क्षेत्र में, फिर वहां से जो विकसित हो रहा है वो वहां से दूसरे क्षेत्र में बेच रहे हैं। इस प्रकार की व्यापार प्रणाली उन्होंने स्टार्ट कर दी थी। अब उसके बाद बात करते हैं होमिनिडो के अफ्रीका में उद्भव के प्रमाण। अब वहां पर उद्भव के प्रमाण क्या क्या मिलते हैं, तो सबसे दो प्रमाण है इसके। पहला प्रमाण जो है, अफ्रीकी वानरों का समूह होमिनिडो से बहुत गहराई से जुड़ा है। जो अफ्रीकी वानर हैं वो होमिनिडो से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। ये तो पहला पॉइंट है दोस्तों। इसके बाद हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। लिखिए आप सभी दूसरा पॉइंट, सबसे प्राचीन होमिनिड जीवाश्म जो ऑस्ट्रलोपिथेक्स वंश से है, जो पूर्वी अफ्रीका में पाए गए हैं, और अफ्रीका से के बाहर पाए गए जीवाश्म इतने पुराने नहीं है। तो इसका सीधा सीधा तात्पर्य यही है कि ह्यूमन का जो विकास हुआ है वो अफ्रीका के बाद अफ्रीका से ही हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये होमिनिड का जो उद्भव है उनके प्रमाण जो है अफ्रीका से कैसे मिलते हैं वो इससे रिलेट कर सकते हैं। अब अगली बात करते हैं, होमिनिड और होमोनाइड में क्या अंतर होता है। जल्दी से लिख लीजिए आप होमिनिड और होमोनाइड में क्या अंतर होता है, और एक स्टार डाल के लिखिए होमिनिड। चाहे तो आप इनकी तुलना अलग अलग दो बना के बॉक्स बना के भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर आपको अलग अलग करवाया है। तो पहले लिख लीजिए होमिनिड। होमिनिड जो है होमिनिड की तुलना में, इनका होमोनाइड की तुलना में मस्तिष्क छोटा होता है। होमोनिड का मतलब होमोनाइड का मस्तिष्क जो होता है बड़ा होता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखिए दोस्तों, ये सीधे खड़े होकर पिछले दो पैरों के बल चलते थे। मतलब पहले जो था वो आगे के, जो हमारे अभी के हाथ हैं, ये विकसित होने के बाद ये हाथ के रूप में विकसित हुए। पहले जो था ये दोनों मतलब चारों जो है पैरों के रूप में कार्य करते थे, लेकिन अब जो है वो सिर्फ दो पैर जो है हमारे वो सीधे पैरों पर चलते थे। इसके बाद देखिए, इनके हाथ विशेष किस्म के होते थे जिसके सहारे ये हथियार बना सकते थे और इस्तेमाल कर सकते थे, और इनका जो उत्पत्ति है वो 56 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है। आपको अगर लग रहा हो कि जल्दी जल्दी हो रहा है तो पॉज करके आप लिख लीजिए दोस्तों। अगर मैं पूरा आपको अच्छे से लिखवाता रहूंगा तो ये पूरे स्कूल की तरह मतलब काफी टाइम चल जाएगा, एक एक घंटे दो दो घंटे तक चल जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी आपको ये चैप्टर कंप्लीट करवा दिया जाए और अच्छे से अच्छे समझाया जाए। ठीक है, लिख लीजिए आप अगला पॉइंट होमोनाइड। होमोनाइड में क्या क्या है तुलना, इसका आप खुद से लिख लीजिएगा दोस्तों। होमोनाइड का मैं पूरा आपको नहीं बता रहा हूं, लेकिन इसके बाद मैं बताने वाला हूं अब ऑस्ट्रोलोपैथिक्स और होमो में क्या अंतर है, इन दोनों का अंतर करवाने वाला हूं दोस्तों मैं। ठीक है, तो आप जल्दी से होमोनाइड लिख लीजिए। होमोनाइड के जो अंतर है, इनका मस्तिष्क होमोनाइड की तुलना में बड़ा होता है, वे चौपाए थे यानी चारों पैरों के बल चलते थे, लेकिन उनका शरीर का अगला हिस्सा और अगले दोनों पैर लचकदार होते थे। इनके हाथों की बनावट भिन्न थी और ये औजार का उपयोग करना नहीं सीखे थे। ठीक है, मतलब होमोनाइड जो है ये पुराने हैं और होमोनिड जो है होमोनाइड से विकसित हुए हैं। ठीक है, उसके बाद ऑस्ट्रोलोपैथिक्स और होमो में क्या अंतर है ये बताएंगे दोस्तों आपको। लिखिए ऑस्ट्रोलोपैथिक्स पॉइंट डाल के उनका लिखिए, मस्तिष्क होमो की अपेक्षा बड़ा होता है। ठीक है, और इनके जबड़े भारी होते थे, इनके दांत भी बड़े होते थे, हाथों की दक्षता सीमित थी और सीधे खड़े होकर चलने की क्षमता अधिक नहीं थी इनकी। ठीक है, और ये अपना अधिक समय पेड़ों पर गुजारते थे। लिख लीजिए ये चार पांच छह पॉइंट है टोटल, छह के छह पॉइंट जल्दी से लिख लीजिए। फिर उसके बाद आप लिखिए होमो। होमो जो है इनका मस्तिष्क ऑस्ट्रोलोपैथिक्स की अपेक्षा छोटा होता है, इनके जबड़े हल्के होते थे, इनके दांत छोटे आकार के होते थे, ये हाथों का अच्छा उपयोग कर लेते थे और ये सीधे खड़े होकर क्षमता इनकी अधिक थी, सीधे खड़े होकर चलने की क्षमता।
उसके बाद हम अगली बात जो करने वाले हैं दोस्तों, हिमयुग का प्रारंभ और अंत। इसी के साथ हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे दोस्तों, ये चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा हिमयुग का प्रारंभ के साथ और हिमयुग का अंत। तो हिमयुग का प्रारंभ कब हुआ और इसका अंत किस तरीके से हुआ बता देता हूँ दोस्तों। चलिए आपने ये होमो का लिख लिया, उसके बाद हम बात करते हैं हिमयुग का प्रारंभ। इसका प्रारंभ जो है 25 लाख वर्ष पहले माना जाता है, जो कि ध्रुवीय हिमाच्छादन से हुआ था। ध्रुवीय हिमाच्छादन से हुआ था, इसमें पृथ्वी के बड़े बड़े भाग बर्फ से ढक गए। जो हिमयुग था उसमें क्या हुआ, पृथ्वी के बहुत बड़े बड़े भाग जो थे वो किससे ढक गए दोस्तों, बर्फ से ढक गए। इससे जलवायु तथा वनस्पति की स्थिति में बड़े बड़े परिवर्तन आए। जब ये हिमयुग का आरंभ हुआ, इसके बाद जलवायु और वनस्पति की स्थिति में बड़े बड़े परिवर्तन आ गए। तापमान और वर्षा में कमी हो जाने के कारण जंगल कम हो गए और घास का मैदानों का क्षेत्रफल बढ़ गया। ठीक है, उसके बाद जब है अब हिमयुग का अंत हो गया। अंत कब हुआ, 13,000 वर्ष पहले। सोचिए 25 लाख वर्ष पहले जो था हिमयुग का आरंभ हुआ और 13,000 वर्ष पहले हिमयुग का अंत हो गया, जिसमें मनुष्यों में अनेक परिवर्तन आए, जैसे खेती करना सीख गए, पशुपालन इत्यादि, इस टाइप के बहुत सारी चीजें वो हिमयुग का अंत के साथ साथ लोगों ने, मानव ने, मनुष्य ने सीख लिया। तो ये हमारा आज का आखिरी पॉइंट था, आखिरी बिंदु था दोस्तों। इसके बाद हम चैप्टर 2 करेंगे, जल्द से जल्द करेंगे दोस्तों, आप सभी इसके नोट्स बनाते जाइए। और इसके साथ साथ मैं एक अलग तरीका जो है अपना, हमारा यहाँ पर यही करने वाले हैं कि आपको क्वेश्चन आंसर के भी फॉर्मेट प्रोवाइड करेंगे, और बेसिकली ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन इससे बन सकता है वो आपको प्रोवाइड करने का मेरा लक्ष्य है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं आपके एग्जाम में, 1/5 पार्ट आता है, 1/4 पार्ट आता है, जिससे आपको आसानी से कर सके, मतलब इजिली आपके लिए बहुत ही इजिली तरीके से मार्क्स गेन करवाना मेरा लक्ष्य है दोस्तों। ठीक है, और सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना भी हमारा लक्ष्य है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मार्क्स आप आसानी से ले सकते हैं, तो यही हमारा लक्ष्य है। प्लीज अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा जिससे उनकी भी हेल्प हो सके, उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, और लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो। इसी के साथ मैं अपने वाणी को आज विराम देता हूँ और अगले वीडियो के साथ आपके साथ होऊंगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट।